डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक सीरीज आई है मासूम। कैसी है, क्या स्टोरी है, देखने लायक है या नहीं, इन सभी पर बात करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मासूम वेब सीरीज का रिव्यू आपके लिए किया है हमारी साथी मेघना ने। आगे के तमाम शब्द उनके। तो ये कहानी है एक कॉम्प्लेक्स फैमिली की, पंजाब के रहने वाले डॉक्टर बलराज की कहानी, जिसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसकी सबसे छोटी बेटी को लगता है कि पिता ने ही माँ की हत्या की है। एपिसोड दर एपिसोड कई परतें खुलती हैं, सीरीज कई पहलुओं को छूने की कोशिश करती है, साइकोलॉजी, क्राइम, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा, फादर डॉटर रिलेशन और बहुत हद तक पॉलिटिक्स, मगर सब कुछ दिखाने के चक्कर में कुछ भी ठीक से पर्दे पर नहीं उतार पाती। मेकर्स अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाते हैं, पर्दे पर ना तो वो उत्सुकता जगा पाते हैं ना ही स्क्रीन से बांध पाते हैं। शुरुआत के 10 से 15 सेकंड स्क्रीन ब्लैक होती है जिसके पीछे सिर्फ वॉइस ओवर चलता है। ये प्रयास सफल भी हो सकता था लेकिन तब जब उस काली स्क्रीन के पीछे दमदार संवाद सुनने को मिलता, मगर ऐसा होता नहीं है। ये सीरीज एक कॉम्प्लेक्स परिवार की कहानी दिखाना चाहती है जिसमें कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मासूम आयरिश ड्रामा सीरीज ब्लड पर बेस्ड है। जब किसी सीरीज या शो को अडैप्ट किया जाता है तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, मेजरली ये कि मेकर्स उसे अपने कॉन्टेक्स्ट में ढाल पाते हैं या फिर नहीं। यहाँ ये समस्या पूरी तरह बनी हुई है। ये शो जबरन आप पर साइकोलॉजी और सस्पेंस थोपने की कोशिश करता है, चीज़ें ऑब्वियस सी हो जाती हैं। कई सीन्स ऐसे हैं जिनका होना ना होना एक बराबर था, जैसे बेटे संजीव का माँ उपासना के साथ गाने वाला सीन। इस सीन में माँ बेटे के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई है जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। सीरीज अपने प्लॉट से ही भटक जाती है। दूसरे एपिसोड के बाद सीरीज इतनी झिलाऊ हो जाती है कि बोमन ईरानी का ही एक मीम याद आता है। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ सीन्स देखकर तो आपको ये लगेगा इन सीन्स का मतलब समझाओ पहले। इसका ट्रेलर आया तो कौतूहल बढ़ गया था, लगा बोमन ईरानी का डिजिटल डेब्यू है तो मज़ेदार होगा ही। पहले एपिसोड में उत्साह बना भी रहा मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मन उचटता गया। वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन, डायरेक्शन या एक्टिंग में कोई एफर्ट नहीं दिखाई देता, कुछ भी फ्रेश नहीं होता। स्क्रीन प्ले इतना ढीला कि पहले से ही पता चल जाए आगे क्या होने वाला है। लगता है राइटर सत्यम त्रिपाठी ने जो खाका अपने दिमाग में बनाया था वो पन्ने पर सही से उतार नहीं पाए। मिहिर देसाई का डायरेक्शन भी इस शो को बचा नहीं पाया है। ये तो क्लियर है कि इस शो के हीरो बोमन ईरानी ही हैं। आप उन्हें स्क्रीन पर और देखना चाहते हैं बट ऐसा होता नहीं। बहुत कम फ्रेम में भी वो शो के हीरो साबित होते हैं। उनकी छोटी बेटी बनी समारा तिजोरी के एक्सप्रेशन पूरे शो में एक जैसे ही हैं, स्पेशली इमोशनल सीन्स में तो आप भी यही कहेंगे मजाक चल रहा है यहाँ। सीरीज के कैरेक्टर ठीक से डेवलप होना चाहते मगर नहीं हो पाते। बैकग्राउंड स्कोर की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं है। पंजाब का सेटअप दिखाने के लिए कुछ पंजाबी गानों को रखा जरूर गया है मगर वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते। सीरीज में कोई भी सीन या फिर डायलॉग ऐसा नहीं है जो याद रह जाए। कुल मिलाकर बड़ी मासूमियत से ये कह रहे हैं कि मासूम अपने गले से नहीं उतरी। सिर्फ 3-3.5 घंटे के इन 6 एपिसोड्स को देखते वक्त समय ही नहीं कटता, तो बस आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, बाकी आपका समय आपका है। जाते जाते एक बार फिर बता देते हैं, आपके लिए रिव्यू किया है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।